all, how are you all? I hope you all are fine out there. So as you can see the screen, we are no more dealing with grammar section. We are dealing with reader section, and our today's topic is the naughty boy. Okay, this one is lesson number 5. Lesson number 5, the naughty boy, we are going to deal with. Okay, so by seeing the टॉपिक ऑफ द पोयम, दिस इज अ शॉर्ट पोयम. ओके, ये एक छोटा सा पोयम है एंड इट इज रिटन बाय जॉन किट्स. ओके, ये किसने लिखा है? जॉन किट्स पोएट ने लिखा है. ओके, एंड दिस इज लेसन नंबर 5 एंड बाय रीडिंग द टॉपिक द नॉटी बॉय, आप इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉटी बॉय मीन्स एक शरारती बच्चा. दैट मीन्स ये पोयम क्या है? एक शरारती बच्चे के बारे में है. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट द पोयम. देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड द नॉटी बॉय वॉज ही. क्या था? एक देयर वॉज अ, एक टाइम में क्या था? एक नॉटी बॉय था. ओके, ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, द पीपल देयर टू सी. वो कहां भाग गया? वो स्कॉटलैंड भाग के गया. व्हाई ही वेंट देयर? ही वांट टू सी द पीपल आउट देयर. वो वहां के लोगों को देखना चाहता था. एंड स्टूडेंट्स, द नॉटी बॉय वॉज फ्रॉम इंग्लैंड. ओके, नॉटी बॉय कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था. सो ही हैड रैन अवे फ्रॉम इंग्लैंड ऑल वे टू स्कॉटलैंड. वो अकेले इंग्लैंड से स्कॉटलैंड भाग के गया बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी द पीपल आउट देयर. इट मीन्स उसको ये लग रहा था कि द पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड द पीपल ऑफ स्कॉटलैंड आर डिफरेंट. उसको ये लग रहा था कि दोनों कंट्रीज के लोग क्या है? अलग है. वहां की चीजें अलग है और यहाँ की चीजें अलग है. सो दैट्स व्हाई वो वहां पे देखने के लिए गया, एक्सप्लोर करने के लिए गया कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट इज अवेलेबल इन स्कॉटलैंड. ओके, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. देन ही फाउंड दैट द ग्राउंड वाज एज हार्ड. जब वो स्कॉटलैंड पहुंचा, देन उसने ये पाया दैट जो ग्राउंड था, दैट द ग्राउंड वाज एज हार्ड, यानी कि ग्राउंड उतना ही हार्ड था. दैट मींस उतना ही हार्ड का मतलब ही इज कंपेयरिंग द ग्राउंड ऑफ इंग्लैंड एंड द ग्राउंड ऑफ स्कॉटलैंड. जो जब उसने कंपेयर किया, उसने क्या देखा कि स्कॉटलैंड में भी ग्राउंड उतना ही हार्ड है एंड इंग्लैंड का ग्राउंड भी उतना ही हार्ड है. दैट अ यार्ड वाज एज लॉन्ग. यार्ड मीन्स स्टूडेंट्स लेंथ. ओके, यार्ड का मतलब होता है लेंथ. तो लंबाई कितनी थी? जैसा इंग्लैंड में लंबाई थी, उतनी ही लेंथ वहां पे भी थी, स्कॉटलैंड में भी. देयर वाज नो डिफरेंस. दैट सॉन्ग वाज एज मैरी. जब वहां उसने स्कॉटलैंड में पहुंचकर उसने गाना सुना तो उसमें कोई डिफरेंस नजर नहीं आया. ओके, इंग्लैंड में जैसे गाना बजता था, जैसा साउंड था उसका, जितनी हैप्पीनेस मिलती थी, जितनी मैरी मीन्स हैप्पी. ओके, मेरी मीन्स हैप्पी. तो सॉन्ग उतना ही अच्छा था जितना इसको इंग्लैंड में होता था. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव फॉरवर्ड. दैट अ चेरी वाज एज रेड. जो स्कॉटलैंड में चेरी था, फ्रूट था, वो उसका कलर भी वैसा ही रेड था जैसा इंग्लैंड में होता था. दैट लेड वाज एज वेटी. लेड मीन्स स्टूडेंट्स क्या है? मेटल ऑब्जेक्ट. ओके, सो हेवी मेटल जो होती है, दैट मीन जो मटेरियल स्कॉटलैंड में था, सेम वही मटेरियल इंग्लैंड में भी था. दैट मीन देयर वाज नो डिफरेंस इन मटेरियल एज वेल. जितना हैवी, जितना वेट उस मटेरियल में था स्कॉटलैंड में, उतना ही मटेरियल इंग्लैंड में भी था. दैट फोर स्कोर वाज एज 80. इट मीन्स इंग्लैंड में फोर स्कोर का मतलब क्या था? कितना था? 80 था. एंड सेम दैट फोर स्कोर इज इक्वल्स टू 80 इन स्कॉटलैंड ऑल्सो. इंग्लैंड में भी फोर स्कोर 80 ही था एंड स्कॉटलैंड में भी फोर स्कोर 80 ही था. दैट मीन्स देयर वॉज ऑल्सो नो डिफरेंस. दैट डोर वॉज वुडन एज इन इंग्लैंड. जो दरवाजा था, घर के दरवाजे थे, वो भी वुडन के बने हुए थे जैसा कि इंग्लैंड में होता है. ओके, सो ही फाउंड नो डिफरेंस आउट देयर इन स्कॉटलैंड. ओके, वो तो ये देखने के लिए गया था कि कहां क्या डिफरेंस है स्कॉटलैंड में, बट ही फाउंड नो डिफरेंस एट ऑल. सो ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वंडर्ड. सो वो क्या हो गया? अब जो उसने शूज वूज पहने थे, तो वो वहां जाके वो दंग रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया और दंग रह गया. एंड ही वंडर्ड, ही वाज आस्किंग हिमसेल्फ द क्वेश्चंस. वो अपने आप पूछ रहा था, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था, अपने आप से बात कर रहा था कि देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. मैं यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए आया था कि दैट देयर मे बी समथिंग डिफरेंट देन इंग्लैंड.
इंग्लैंड से कुछ डिफरेंस होगा ये सोच के गया था, बट देयर वाज नो डिफरेंट एट ऑल। और वो ये सोचता रहा अपने आप से क्वेश्चन करता रहा और सोचता रह गया। इट मीन्स यहाँ पे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में डिफरेंसेस यानी कि कंपाइलेशन किया है कि स्कॉटलैंड में जैसी चीज है दैट इज सिमिलर विथ इंग्लैंड। ओके, सो दिस वॉज द शॉर्ट पोयम रिटन बाय जॉन किट्स। ओके, ये किन्होंने लिखा है? जॉन किट्स ने लिखा हुआ है अबाउट अ नॉटी बॉय जो इंग्लैंड अपने कंट्री से भाग के कहां जाता है? स्कॉटलैंड जाता है। ओके, स्कॉटलैंड जाता है ये देखने के लिए कि वहां के पीपल लोग कैसे हैं, वहां पे रहन सहन कैसा है, किस तरीके से लोग रहते, घर कैसा है, फ्रूट्स कैसी होती है। सो ये देखने के लिए ही हैड वेंट टू स्कॉटलैंड। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द पोयम। So, the chapter is completed hopefully, and have a good day my dear students. Thank you.